भगवान कहूं, वाहिगुरु कहूं या अल्लाह कहूं, सोर्स एक ही है और उस सोर्स से निकली हैं सब आत्माएं। सो दैट इज द पावर ऑफ वन। हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल हियर दिस लवली वर्ड कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, कभी हमने सोचा है स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का जो बेस वर्ड है वो है स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि आत्मा। जी हां दोस्तों, ये आत्मा की जर्नी है। अब अगर आत्मा है तो एक सोर्स भी होगा और वो सोर्स है परम आत्मा। मैं उस सोर्स को परम आत्मा कहूं, भगवान कहूं, वाहिगुरु कहूं या अल्लाह कहूं, सोर्स एक ही है और उस सोर्स से निकली हैं सब आत्माएं। सो दैट इज द पावर ऑफ वन। देर इज वन यूनिवर्स, देर इज वन क्रिएटर एंड देर इज वन गोल। यस फ्रेंड्स, आत्माओं का भी एक गोल होता है और आत्मा का वो गोल होता है कि जहां से वो निकली है, जिस ओरिजिन से वो निकली है, उस परमात्मा में दोबारा उसे समाने का अवसर मिले। लेट अस अंडरस्टैंड ये बात को एक सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्किल का ओरिजिन क्या होता है? उसका सेंटर। जब हम एक कंपास को लेके एक सर्किल बनाते हैं एक पर्टिकुलर रेडियस के साथ, तो सबसे पहले हम उस डिवाइडर को सेंटर पे रखते हैं, रेडियस पकड़ते हैं और सर्किल बना देते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल, आप ये समझिए कि सर्किल पर हम सब खड़े हैं। सर्किल पर एक पॉइंट पर एक हिंदू है, एक पॉइंट पर कोई मुस्लिम है, एक पॉइंट पर कोई सिख है और एक पॉइंट पर कोई ईसाई है। सर्कमफेरेंस पे अनगिनत पॉइंट्स हैं, अनगिनत लोग हैं जो अनगिनत रास्तों को फॉलो करते हैं। और जब उस सर्कमफेरेंस के पॉइंट से हम सेंटर तक एक लाइन बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है रेडियस। जब हम सर्कल पर होते हैं तो ये पॉइंट्स में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ये पॉइंट सर्कम के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ये लाइनों में डिस्टेंस कम होते जाता है। द रेडियस ऑफ द सर्कल कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर एज वी मूव फ्रॉम द सर्कमफेरेंस टू द सेंटर। मतलब जैसे हम सर्कमफेरेंस से उस स्रोत की तरफ बढ़ते हैं, उस सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, उस ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे में फर्क कम होते जाता है। जब हम सर्कमफेरेंस पर होते हैं, हम सब में भिन्न भिन्न फर्क होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग बोली होती है, अलग अलग कल्चर होता है हमारा। और जैसे हम नजदीक जाते हैं, हम उस एक की अनुभूति करते हैं और हम ये रियलाइज करते हैं कि हम सब एक हैं। और जब हम सेंटर पर पहुंचते हैं, ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है और हम उस एक में समा जाते हैं। यानी कि अगर हमें उस एक में समाना है तो हमें आपस की दूरियों को कम करना है। जैसे जैसे ये दूरियां कम होंगी, हम उस एक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। जैसे हम आपस की दूरियों को बढ़ाएंगे, हम उस एक से दूर होते जाएंगे। सो द पावर ऑफ वन इज द वन यूनिवर्स, द वन क्रिएटर, मल्टीपल सोल्स, जर्नी वन, गोल वन। रास्ते अलग हो सकते हैं, गोल एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। तो आज से ये फैसला करें कि हम डिफरेंस को बढ़ाएंगे नहीं, डिफरेंसेस को घटाएंगे, दूरियों को बढ़ाएंगे नहीं, दूरियों को घटाएंगे, पास आएंगे, खुश रहेंगे, खुशियां बांटेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल सर्वाइव एवरी पैंडेमिक, एवरी क्राइसिस इन आवर लाइव्स।
गुड बाय, टेक केयर।